हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो चुकी है और मैं अपने आंगन में झाड़ू लगा रही हूँ। जल्दी जल्दी से लगा रही हूँ, मुझे बहुत सारा काम होता है और मैं झाड़ू लगाने के बाद खाना भी बनाना होता है मुझे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी झाड़ू में लगा रही हूँ। यहाँ पे लिपाई करना है, लिपाई नहीं हुआ इसलिए इतना गंदा है। आप देख सकते हो कि साइड का व्यू। ये मेरी बच्ची, छोटी सी बच्ची मेरी, अकेली खेल रही है। ये सुबह होते ही इसकी मस्ती पूछो ही मत, इसका मस्ती बहुत मस्ती करती रहती है ये लड़की। ये देखो क्या कर रही है, अभी पत्ते पत्ते निकाल के अभी ये अकेली खेल रही है चुपचाप। और आप देख सकते हो कि मेरे साइड का व्यू है ये। इसे मैंने हाय बोलने के लिए बोला फिर भी ये इग्नोर करके अपने धुन में खेल रही है, देख सकते हो आप सब। मैं वीडियो बना रही हूँ, ये इसका कभी वीडियो बनाओ तो ये इग्नोर करती रहती है हमेशा, एक फ़ोटो भी निकालने के लिए नहीं देती है। ये देखो मेरा झाड़ू लगाना पूरा हो चुका है। ये हमारी कार है और ये हमारा रास्ते का व्यू है। पहली बार वीडियो बना रही हूँ ना, इसलिए इतना मतलब बोलने में तकलीफ़ हो रही है। हमारी एक मौसी है, वो झाड़ू बना रही है रास्ते में बैठ के। घर के साइड की है, पड़ोसी है, रास्ते में बैठ के बना रही है झाड़ू। मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ झाड़ू कैसे बना रही है। पास नहीं जा पाई, वह दूर से ही झूम करके दिखा दी। ए खेलने में लगी है, देखो देखो इसका इसका अपनी धुन अलग ही है इसका। हाय बोलने के लिए बोला है, हाय बोल रही है। मतलब देखो देखो मस्ती, देखो इसका मस्ती, नाचने लग गई। देखो बाप रे, देखो ये अंदर जा रही है, ये चली गई अंदर। ये हमारी आम का पेड़ है, ये फिर साइड का व्यू है वो हमारा। ये हमारा मंदिर है, पुस्तैनी मंदिर, और हमारे पीछे का जगह है हमारे घर के पीछे का। ये नारियल फिर हमारी ससुर जी ने लगाया था। और ये हमारे पीछे का जो खेत होता है ना, वो खेत में वो मतलब कुछ तो सब्ज़ी लगाई है, साग वगैरह। हम झूम करके दिखा रहे हैं आपको, ये देखो ये साग लगा के रखे हैं। हरियाली हरियाली है चारों तरफ, मतलब चारों तरफ नहीं, सॉरी चारों तरफ नहीं, मतलब इतना सा जगह पे। ये हमारा पेड़ आम के पेड़ का, मतलब आम है, ये आम है और छोटा छोटा है, बड़ा नहीं है। बड़ा वाला हम तोड़ के मतलब घर के घर में रख दिए। ये देखो पानी में फिर से खेलने लग गई है। ये पानी में पता नहीं है, बच्चे पानी में इतना मस्त खेलती रहती है, पानी में बिजी होकर रहती है। देखो देखो फिर से पानी में खेलने लग गई, पानी निकाल रही है, हाय बोल रही है। ये अंदर गई फिर से, ये रोने लग गई। देखो देखो ये रोने लगे, चाहिए इसलिए रोने लग गई, देख सकते हो आप लोग। इसका मतलब हम लोग सैलून में जा रहे थे इसका बाल काटने के लिए, और उसके पापा का भी मतलब बाल बहुत लंबे हो चुके थे, उनका भी बाल काटने के लिए जा रहे थे। मतलब इतना हवा हो रहा था ना इतना, कि हम बात कर रहे थे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने एडिटिंग करके अपनी वॉइस दे दी। ये हम बात कर रहे थे पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हम लोग बोल रहे थे कि ये साइड का व्यू देखो, और बहुत बहुत हवा हो रहा था, और मतलब धूप भी बहुत है यहाँ पे, आप देख सकते हो बहुत धूप है यहाँ पे। और ये साइड का व्यू है रास्ते का, साइड का। ये गर्मी की टाइम है ना, टेम्परेचर बहुत रहता है, मतलब 39, 40, 41 तक रहता है टेम्परेचर। और ये सुबह का व्यू है, मतलब 10 बजे का होगा। हम जा रहे थे, ये हमारा हम जहाँ जा रहे थे वह साइड का व्यू है। ये हम अपनी स्कूटी पे जा रहे थे, एक्टिवा में। देखो कितनी तकलीफ हो रही है। और ये मतलब हम ये आपको दिखा रहे थे, मंदिर है ये, कहाँ पे महाशिवरात्रि के टाइम पे बहुत बड़ा मेला होता है। और ये हाईवे रोड है, मतलब उतना भी हाईवे नहीं है, छोटा हाईवे रोड है, गाँव के साइड का है ना, इसलिए ऐसे ही दिखाई दे रही है, छोटा बड़ा हाईवे नहीं है। ये हम हमारे गाँव के थोड़ा दूर 7-8 किलोमीटर दूर जा रहे थे सैलून में। ये बड़ा सा गाड़ी है साइड से जा रही है, ये देखो। हाँ अब आ गए हैं सैलून में, और ये हमारी हस्बैंड है और वो भैया है जिनका सैलून है। एक ये देखो सैलून के सामने का व्यू, ये देखो ये रास्ता है, और ये छोटा सा सैलून है। गांव के साइड में ऐसा ही सैलून होता है, बड़ा बड़ा नहीं होता है। ये इनका बाल काट रहे हैं, बाल बहुत लंबे हो चुके हैं, इनके पास टाइम ही नहीं रहता बाल काटने का। और ये हम अपनी बच्चे का अभी मुंडन कराना है, पूरा बाल निकलना है,
अभी ये भी बैठ गई है, इसका बाल निकालना है, ये डर रही थी। फिर वो भैया बोले आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छी हो, अच्छा बेटा बाबू, अच्छा बाबू, ये बोल बोल के इसको बाल कटा दिए। ये देखो कितने धीरे धीरे आँख बंद करके हो गया इसका बाल काटना। छोटी सी बच्ची मेरी चुपचाप बैठी है यहाँ पे। ये देखो मैं इसकी आँख में बाल चली गई, फिर मैं यहाँ पे बाल पोंछ रही थी और ये अपनी सिर पे हाथ रख के देख रही थी कि बाल है कि नहीं। देखो गंजी हो गई है, टकली कैसी दिख रही है ये अभी। अरे हम घर के लिए निकल चुके थे, बहुत धूप चालू हो गया। मेरी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची क्यूट सी दिख रही है अभी। देखो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि बहुत धूप है, बट इतना हवा था कि कुछ सुनाई भी नहीं दे रहे थे, बहुत हवा चल रही थी। देखो ये बोल रहे हैं कि बहुत हवा है, हमारा बाल काटना हो गया। इनका बाल देखिए आप, उसका काटना हो गया, बहुत लंबे हो चुके थे। और मेरे बच्चे की देखो क्यूट सी बच्ची मैं दिखा रही हूँ, देखो चुपचाप मेरे पास बैठी है मेरे गोद में। ये देखो आप लिपाई करने के लिए, लिपाई करना है, बहुत दिन से हो गया लिपाई नहीं की है, अब भी लिपाई करना है। ये गोबर को बाल्टी में, मतलब बाल्टी में लेके फिर हाथ से हिलाना, हिलाने के बाद पिघला के फिर हमें अपने आंगन में डाल दिए। फिर मैं ये लिपाई कर रही हूँ, देखो झाड़ू से, मतलब ये नारियल का पत्ता जो होता है ना उसकी झाड़ू है ये, उसकी झाड़ू बना के बनाते हैं हमारे यहाँ पे गांव के लोग। फिर वहाँ पे हम लिपाई कर रहे हैं, चारों तरफ इतना धूल हो गया था, बाप रे बाप। हमारे घर में बैल भी नहीं है, हम अपने मतलब दूर से लाते हैं गोबर, बैल नहीं है, आसपास भी बैल नहीं है ज़्यादा, और दूर से लेके आके फिर हम लिपाई कर रहे हैं। आप देख सकते हो कैसे लिपाई करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी लिपाई कर रहे हैं क्योंकि शाम का टाइम है ना, अभी शायद 6 बज चुके थे। फिर शाम के टाइम में बहुत सारा काम होता है, बच्ची को देखना, खाना बनाना, और ये मेरी बच्ची की पूछो ही मत, ये इधर उधर भागती रहती है। अभी मैंने उसको उसके दादा के पास छोड़ के आ गई और मैं लिपाई करने आ गई, और मेरी जो सास है ना वो मतलब गोबर को बाल्टी में लेकर मुझे दे रही थी और पानी लेके दे रही थी। पूरा आंगन लिपाई करना है अभी, मुझे टाइम लगता है लिपाई करने में, बहुत टाइम लगता है लिपाई करने में। अभी तो मैंने चालू की है, ये देखो थोड़ा सा ही हुआ है, और मेरी हस्बैंड वीडियो ले रही है, मतलब पहला फर्स्ट टाइम है ना हमारा वीडियो लेना, इसलिए मतलब ऐसे ही, उन्होंने भी कभी वीडियो वगैरह नहीं लिया है इसलिए उनको भी तकलीफ हो रही है। और ये मेरी बच्ची दौड़ दौड़ के आ रही है खेल, ये शाम का टाइम हो सुबह का टाइम हो उसका बस खेलना चालू रहता है, खेलना कूदना, बच्चे करे भी तो क्या करे, खेलना ही इनका काम होता है। और वो हमारी साइड से एक मतलब मेरी ननद है पड़ोसी, वो आ रही है इसके पीछे पीछे। ये देखो आ गई दौड़ दौड़ के आ गई, मुझे मत पकड़ो, मुझे मत पकड़ो बोल रही है, फिर आ गई। फिर से मैं इस साइड में लिपाई कर रही हूँ, उस साइड हो गया लिपना लिपना, और मेरी सास है वो गोबर लेके मुझे दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी हो जाए लिपाई करना क्योंकि शाम हो रही है, फिर बहुत सारा काम होता है वो भी करना पड़ता है मुझे। ये सुबह मेरी ससुर जी गए थे गोबर लाने के लिए बाल्टी में, और दो बाल्टी लेके गए थे और फिर साइकिल में लेके आए। ये हमारा रास्ते का व्यू है, शाम का टाइम है, पूरा शाम हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है अभी, उस टाइम का व्यू है। मैं ट्राई कर रही हूँ जल्दी जल्दी हो जाए। ये हमारा मतलब घर के सामने का आंगन है और वो हमारा मंदिर है छोटा सा, आप देख रहे हो, पुश्तैनी मंदिर है। हम सोच रहे थे कि इसे मतलब ठीक करें पर अभी तक हो नहीं रहा था। ये हमारा पेड़ है आम का पेड़, जल्दी जल्दी सोच रही कि जल्दी जल्दी हो जाए लिपाई करना, देर हो रही है बहुत, जल्दी जल्दी हो जाए, बस यही ट्राई कर रही हूँ जल्दी जल्दी हो जाए। बस मेरी सासू में हेल्प कर रही है इसलिए मुझे जल्दी जल्दी लिपाई हो रहा है, अगर हेल्प नहीं करती थी बहुत टाइम लगती थी मुझे। और ये गोबर लेके लिपाई करना, मेरे हाथ इतना दर्द देने लगी है कि क्या बताओ, ये लिपाई करते करते पता नहीं कैसी कर लेती है। और हमारे एक हफ्ता हो जाने के बाद ही लिपाई करना पड़ता है, इतना धूल होता है कि क्या बताओ। बच्ची खेलती रहती है ना आंगन में, इसलिए हमेशा लिपाई करके रखने से अच्छा होता है क्योंकि बच्ची रहती है ना। और एक लड़की खड़ी है ना, ये हमारे घर के साइड की मतलब पड़ोसी है, ननद है हमारी, बहुत अच्छी है, बात भी बहुत अच्छी करती रहती है,
ये हमारा हो गया लिपाई करना, बस थोड़ा सा बाकी बस है। हो गया। मेरी सासू माँ उस साइड में, मैं थक गई हूँ। मैं बोल रही हूँ मुझे थोड़ा पानी ला के दो। सासू माँ बोल रही पीना है, बैठ चाहिए या नहीं। मैं बोल रही हूँ नहीं चाहिए, बस हो गया। बस मंदिर के सामने में थोड़ा सा लिपाई करने से हो जाएगा। खड़े होकर मुझसे बात कर रही थी, मुझे टाइम मतलब कंपनी दे रही थी, बहुत टाइम हो रहा था। मैं बोली कि आप ही खड़े हो जाओ, प्लीज़ मेरे साइड में रहो। और ये हो गया, बस बस हो गया।